नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा सातवीं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण विभाग से एकल शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? एकल शब्द। एकल शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, एकल शब्दों का अर्थ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, एकल शब्द का शब्द वाक्य का संक्षिप्त रूप होता है। एकल शब्द वाक्य का संक्षिप्त रूप होता है। समझ में आया बच्चों? एकल शब्द जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। एकल शब्द वाक्य का संक्षिप्त रूप होता है। एकल शब्द वाक्य या वाक्यांश का संपूर्ण अर्थ होता है। समझ में आया? एकल शब्द वाक्य या वाक्यांश का संपूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के अनुसार यहां पर हम समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए, शरद हमेशा दूसरों की भलाई करता है। शरद हमेशा दूसरों की भलाई करता है, यानी कि शरद जो है वो परोपकारी है। शरद परोपकारी है, यानी जो दूसरों की भलाई करता है वो परोपकारी कहलाता है। समझ में आया? जो दूसरों की भलाई करता है वो परोपकारी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो दूसरों की भलाई करता है यह एक वाक्यांश है। हाँ, इस वाक्यांश के लिए हमने एक ही शब्द का प्रयोग किया, वो है परोपकारी। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से उदाहरण के अनुसार समझाती हूँ आपको। शरद हमेशा दूसरों की भलाई करता है। शरद नाम का जो लड़का है वो हमेशा क्या करता है? दूसरों के बारे में सोचता है। यानी कि शरद की वृत्ति कैसी हो गई? शरद परोपकारी है। ठीक है, यानी कि हमारा वाक्यांश इस प्रकार है बच्चों, जो दूसरों की भलाई करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। समझ में आया? हाँ, जो दूसरों की भलाई करता है वो परोपकारी होता है। ठीक है, तो अन्य उदाहरणों के अनुसार हम यहाँ पर एकल शब्दों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला है जिसकी कभी मृत्यु न हो। जिसकी कभी मृत्यु न हो, यानी कि मृत्यु जिसकी नहीं होती वो क्या कहलाता है? वो अमर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अमर कहलाता है। दूसरा है जिसमें दया की भावना न हो, यानी कि भावना कहाँ से आती है बच्चों? हृदय से आती है। और जिसके हृदय में भावना ही ना हो वो कैसा होता है? निर्दयी। समझ में आया? जिसमें दया की भावना न हो। भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? हृदय से उत्पन्न होती है। और हृदय में भावना नहीं है तो वो हो जाएगा निर्दय। ठीक है, तीसरा है जिसका आदि न हो। जिसका कोई आदि नहीं, नहीं उसका जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो अनादि कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनादि कहलाएगा। जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो, यानी कि वो अजर है, अमर है, है नहीं? यानी कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती वो है अमर। जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो अजर। ठीक है, जो दिखाई न देता हो। दिखाई यानी कि दो दिखता है वो दृश्य होता है। जो दिखाई देता है वो दृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है वो अदृश्य होता है। समझ में आया? जो दिखाई देता है वो दृश्य होता है, और जो दिखाई नहीं देता है वो अदृश्य होता है। आगे देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके। जिसकी तुलना न की जा सके, तुलना
हाँ, जिसकी तुलना करते हैं वह तुलनीय होता है और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती वो अतुलनीय होता है, अतुलनीय होता है। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि भगवान, भगवान को क्या हमने देखा है क्या? नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है, यानी कि भगवान है। हाँ, ठीक है। जो जानने की इच्छा रखता हो, जिसको जानने की इच्छा है आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ, वो जो कौन जानता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ लेखन, यानी कि लिखित, हाँ, लेखन, हाथ से लेखन जो किया हुआ है उसको क्या कहते हैं? हस्तलिखित। क्या कहते हैं? हस्तलिखित। आगे देखिए, जो गणित का जानकार हो, जो गणित का जानकार हो, यानी कि जिसको गणित बहुत अच्छे से आता है, गणित के बारे में बहुत नॉलेज है, उसे क्या बोलेंगे हम? गणितज्ञ। जैसे कि विज्ञान का जानकार होता है वो कौन होता है? वैज्ञानिक। समझ में आ रहा है? जो गणित का जानकार हो वो गणितज्ञ, जो विज्ञान का जानकार हो वो वैज्ञानिक। ठीक है, समझ में आया? जो अधिक बोलता हो वो वाचाल, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, निष्पक्ष। ठीक है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता वो निष्पक्ष कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो बिना वेतन का काम करे अवैतनिक, हाँ, जो बिना वेतन का काम करता है वो अवैतनिक कहलाता है। जिसे पहले पढ़ा न हो अपठित, जिसे पहले पढ़ा न हो वो अपठित। नगर में रहने वाला नागरिक, नगर में रहने वाला नागरिक। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे एक वाक्यांश के लिए हमने क्या किया है, उस पूरा एक वाक्य का अर्थ बताने वाला एक ही शब्द रखा गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ ही शब्द मैंने दिए हैं आपको, आपके अभ्यास में, और कुछ शब्द मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेजती हूँ बच्चों, उसको अपने व्याकरण बुक में आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।